इन दिस केस वी हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ये थोड़ा सा मैं बड़ा है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। तब क्या करते हैं, फॉर्मूला तो लगता है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, और पीरियड हमेशा कांस्टेंट है 1/12, पीरियड इज कांस्टेंट 1/12। अगेन टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, व्हाट इज द प्रोडक्ट, हाउ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, समझना है। सबसे पहले डेट, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स ए इंटू पी, अमाउंट इंटू पी। क्या करते हैं समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज ड्रॉन ऑन July 1st 5000, ऑन September 15 8000, ऑन November 30 ही हैज ड्रॉन 12000, ऑन January 1st ही हैज ड्रॉन 6000, एंड March 31st ही हैज ड्रॉन 10000। अब देखो यहाँ पर अमाउंट इज डिफरेंट लग रहा है, अमाउंट डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम अप्रैल मई जून ही हैज नॉट ड्रॉन एनी अमाउंट, अप्रैल मई जून में कोई अमाउंट नहीं निकाला, जुलाई में कितना निकाला 5000। देन इन अगस्त ही हैज ड्रॉन नथिंग, बट इन सितंबर, इन द मिडिल ऑफ सितंबर ही हैज ड्रॉन 8000। पहले निकाला 5000 और अब के निकाला 8000, और पीरियड भी डिफरेंट। फिर अक्टूबर में कुछ नहीं निकाला, नवंबर में निकाला 12000, फिर दिसंबर में कुछ नहीं निकाला, फिर जनवरी के शुरू में निकाला 6000। अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर अनइवन, बोथ आर डिफरेंट। अब क्या करते हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पीरियड। पीरियड मींस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इसका मतलब समझो, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू डेट ऑफ अकाउंट। डेट ऑफ ड्रॉइंग जिस दिन पैसा निकाला उस दिन से लेकर जिस दिन अकाउंट क्लोज, अकाउंट कब क्लोज होता है March 31st, ठीक है, तो जिस दिन ड्रॉइंग किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक, सीधा चलना है सीधा, जिस दिन ड्रॉइंग किया वहां से डेज काउंट करना है, नहीं कि 31 मार्च से डेज काउंट करना। अब देखो पहली बार अमाउंट कब निकाला उसने, July 1st। अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक का टाइम निकालो कितना हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 9। ये क्लियर है, 9 कैसा है। September 15 आधा सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6.5। November 30 तो नवंबर तो काउंट होगा नहीं, नवंबर तो निकल गया, अब क्या आएगा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, January 1 पूरा जनवरी फरवरी मार्च, March 31st आज ही तो अकाउंट बना रहे, आज ही पैसे निकाले, तो 31st मार्च टू 31st मार्च मींस देर इज नो टाइम। पहले देखो एक बार ये पीरियड समझ में आया है, अब करेंगे ए इंटू पी, अमाउंट इंटू पीरियड। 5000 इंटू 9 ये हो गया प्रोडक्ट 45000, 8000 इंटू 6 48 और 4 52000, 6.5, 6.5 हो गए ना, कैसे आए देख लो एक बार, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 और आधा सितंबर 6.5।
48,000, 18,000 और जीरो, 1,18,000, 1,23,000, 1,63,000। देखो एक बार ये बात क्लियर है क्या? फिर अपन ने इसका टोटल किया 97, 1,05,000, 1,45,000, 1,53,000, 1,63,000। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट 1,63,000, 12% रेट पर्सनल दे रखा होगा, और कांस्टेंट क्या है? 1/12, तो आंसर आ गया 1,63,000। देखो ये समझ आया क्या? करो पहले क्वेश्चन, फिर और करते हैं। कौन से वाले में? 8,000, 8,000, 8,000। हाँ भाई हो गया। हाँ कर लो कभी। क्या रेट 12% पर है जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी दे रखा होगा। डेट ऑफ ड्रॉइंग टू द डेट ऑफ अकाउंटिंग, ये पीरियड कैसे निकालते हैं ये बताया मैंने। पीरियड इज इक्वल टू डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू डेट ऑफ अकाउंटिंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू डेट ऑफ अकाउंटिंग, एक मिनट। हो गया, करते हैं। आप क्वेश्चन निकालो जो इसी से रिलेटेड है, वैसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 42। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज गिवन? कैपिटल अकाउंट ऑफ तीशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस 10,07,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5,00,000। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस। तीशा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनर है तो क्वार्टर के एंड में निकाला कितने? 25,000। दूसरी दिव्या है, दिव्या ने उसके उसका दिव्या ने लिखा है ऑन 31 मई 2020
on 1st November 20, 17,500. On 1st February 21, 12,500. 31st May. अब देखो, सबसे पहले तो टीशा की बात करते हैं. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये कौन सा केस है, इवन और अनइवन? ठीक है, तो जो पहले पढ़ा उसके अंदर अपन अगर इवन होता तो अपन क्या करते हैं, एंड ऑफ क्वार्टर में क्या करते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स. देर आर फोर क्वार्टर इन ए ईयर, दिखा क्वेश्चन, तो चार क्वार्टर होते हैं, तो चार के हिसाब से कितना अमाउंट निकाला होगा, 25,000 × 4, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 6% पर एनम, ये हो गया 6/100. अब पीरियड कैसे निकाले, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है, एन माइनस वन तो मंथली में आता है, क्वार्टर में तो 3 महीने होते हैं, एन माइनस तो 12 - 3 कितना बचेगा, 9, 9 को 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 4.5/12, डेसिमल हटेगा, ये जीरो लगेगा, 3 जीरो कट गए, 6 से 2 हो गया, 2 से 50 हो गया, ये हो गया 2250. समझ आया क्या है, देखो पहले ये टीशा का समझ में आया क्या? अब बात करते हैं दूसरी पार्टनर, वो कौन है, दिव्या. दिव्या ने 3 ड्रॉइंग्स किए टोटल, और अलग अलग ड्रॉइंग्स है, पीरियड भी अलग अलग है, तो ये अनइवन वाला केस है. क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉइंग्स कब है, 31st May, कितना निकाला, 20,000. दूसरी ड्रॉइंग्स कब है, 1st November, 1st February, फर्स्ट नवंबर और ये 17,500 पीरियड करो काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ अकाउंटिंग. 31st May को छोड़ दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 और 3 10, इसका पीरियड हो गया 10 मंथ. नवंबर 1, नवंबर दिसंबर और 3 महीने 5, फरवरी और मार्च 2 महीने. देखो पहले एक बार यहां तक क्लियर है क्या, नेक्स्ट 10 × 20,000 5 इंटू तो यह आ जाएगा 87,500 25,000 312,500 टोटल ड्रॉइंग्स टोटल प्रोडक्ट 312,500 इंटू रेट वही 6% और पीरियड ऑलवेज 1/12 इन प्रोडक्ट मेथड. 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 2 कट गया, 2 से 2 1 2 5 2 6 2.5 आ जाएगा 1 5 6 2.5 तो 1 5 6 3. देखो ये दोनों क्लियर है क्या पहले,
मैच। एक बार ये समझ में आ गया इवन अनइवन वाला? नेक्स्ट वेन, अब ये थर्ड क्या समझा रहा हूं, टोटल ड्रॉइंग्स हैव गिवन इन रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैव गिवन। अब क्वेश्चन में यह नहीं दे रखा कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया, केवल यह दे रखा है कि एक्स ने कुल 50,000 निकाले पूरे साल भर में, वाई ने पूरे 1,00,000 रुपए निकाले। इट हैज नॉट गिवन at what time and how he has drawn rupees 50,000 or 1,00,000. Nahi de rakha hai ki kaise nikale, kab nikale. Keval de rakha hai ki total drawings hai jo partner ne withdraw kiya. Mere paas samajh mein aa rahi hai? Pehla case padha tha jahan par de rakha tha ki same amount nikala, same time pe nikala pure 12 mahine, de rakha hai specific. Dusre case mein nahi de rakha hai. हाँ ये दे रखा है कि कब कब निकाला, पर अमाउंट और पीरियड दोनों अनइवन थे। अब तीसरे केस में ना इवन है ना अनइवन, टोटल दे रखा है कि इतनी ड्रॉइंग्स है, 50,000 निकाले, 80,000 निकाले, 40,000 निकाले, ये टोटल ड्रॉइंग्स दे रखा है। इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड, यानी कैसे निकाला, कितना अमाउंट निकाला, कब कब निकाला, नहीं दे रखा, केवल टोटल ड्राइंग्स दे रखा है। जब अपने पास टोटल ड्राइंग्स दे रखा है तब अपन को देखना है पहले कि क्या दे रखा है, रेट दे रखा है या रेट पर एनम दे रखा है। एक दे रखा होता है रेट और एक दे रखा होता है रेट पर एनम। अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है तो सिंपल निकालते हैं टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। अगर पर एनम दे रखा है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 एंड ऑलवेज वी हैव टू यूज द एवरेज टाइम। 12 महीने का टाइम है तो एवरेज हो गया आधा यानी 6 मंथ, 6/12। देन ऑलवेज वी हैव टू यूज 6/12। अगर रेट दे रखा है तो पीरियड का मतलब नहीं है, सीधा परसेंट से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। और पर एनम वर्ड दे रखा है तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी एवरेज पीरियड। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि सारा अमाउंट उसने पूरे 50,000 1 अप्रैल को निकाल लिए, या पूरा 50,000 उसने 31 मार्च को निकाल लिया, यानी बीच बीच में निकाला होगा जिसका हमको पता नहीं है, तो हमने उसको एवरेज कर लिया और एवरेज पीरियड क्या हो गया, 6 मंथ, 6/12। ये बात समझ आई क्या? ये तीन मेथड है अपने पास, ये तीन मोड होती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अपने बुक के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम करते हैं। अब पहला क्वेश्चन निकालो, पहले का मतलब है क्वेश्चन नंबर 35। अब ये आ भी गया, इसी केस से रिलेटेड है। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो।
अब क्वेश्चन नंबर नंबर निकालो 35। देखो क्या दे रखा है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स विड्रॉ रुपीज 1,20,000 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। अब देखो टोटल ड्राइंग दे रखा है राम और मोहन की, पर ये नहीं दे रखा कि कब निकालना, और रेट के साथ क्या दे रखा है पर एनम, तो कौन सा यूज होगा ए या बी? बी में। सबसे पहले राम ने कितना विड्रॉ किया 1,20,000, यहां निकालेंगे राम का 1,20,000 कितना परसेंट है 6% 7,200। मोहन ने कितना निकाला सॉरी पर एनम है और 80,000 6% इंटू 6/12 तो ये हो गया आपके पास 6 से 2 से 3 3,600। इसने निकाला 80,000 6% 6/12 2 से 3 0 2,000। समझ में आया क्या? करो जल्दी। हाँ अब देखो नेक्स्ट, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स विड्रॉ 48,000 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब यहां पर पीरियड दे रखा है कि इसने अमाउंट कैसे निकाला, इवनली यानी बराबर बराबर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो कौन सा केस हो गया ये? फर्स्ट वाला केस, ठीक है। अब मिडिल वाला हो गया मिडिल ऑफ मंथ। अब देखो कौन कौन है यहां पर, एक है ब्रिज एक है मोहन, He has drawn 48,000, तो टोटल ड्रॉइंग्स दे रखी है 48 और 36,000। अब रेट क्या दे रखी है 10%, ये हो जाएगा 10%। और मिडिल ऑफ मंथ होता तो क्या करते हैं, पीरियड कैसे लेते हैं मिडिल ऑफ मंथ में, एन अपॉन टू यानी 6/12, तो ये लेंगे 6 मंथ 6/12 और 6/12 0 0 0 है क्या कह रहे हो? वापस पढ़ो क्वेश्चन। ये कह रहा है टोटल ड्रॉइंग किया साल भर में Evenly in the middle of every month, यानी ये जो 48,000 है ये पूरे साल की ड्रॉइंग्स है, ये नहीं तरह का कि 48,000 he has drawn in the middle of every month, पूरे साल भर की है और हर महीने बराबर बराबर पैसे निकाले, तो 12 से डिवाइड करो कितने रुपये हो गए 4,000, he has drawn rupees 4,000 every month in the middle of month, क्लियर है बात? करो
अब निकालो नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। What has given? They withdrew rupees 10,000 on 15th day of every month to be charged 10% per annum. ये कौन सा 15th day of every month? Even वाला और 15 हर तारीख हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले तो beginning है middle है या end है? Middle. और कितना निकाल रहा था हर महीने 10,000 रुपए। तो टोटल ड्रॉइंग्स वन लैख 20,000। क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को 10,000, तो 12 महीने तक कितना हो गया 1,20,000। 12% पर और 6.12 7,200। क्लियर है बात? करो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट छोटा सा। नेक्स्ट, एबी पार्टनर्स एड्रू 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। नहीं, इससे पहले वन ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज ड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉन। 9,000 at the end of each quarter, then what is the total drawings into 4? ठीक है ना, 36। There are four quarter in a year. 36,000 6% end of quarter n minus 3, 12 minus 3 9 by 2 4.5 month. डेसिमल अटका तो जीरो, तीन जीरो कट गया, सिक्स से टू, टू से 18, 810। तो आंसर आ गया 810। क्लियर है ये बात? अब एक क्वेश्चन करके लेकर आना, दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो करके लाना। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, 41 42 अपन ने किया ही है, तो 39 और 40 करके लाना, कल आगे करते हैं, ठीक है? ओके।